अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। देश के अंदर हमेशा से मुद्दे उठते आए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आप पूरे देश को नहीं, पूरे दिल्ली की बात करेंगे, हम लोग दिल्ली के अंदर कितनी मजबूताएं देखते हैं और आपकी जो पार्टी है वो इस कार्य में कुछ कार्य करेगी या नहीं करेगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में मेरे को नहीं लगता कि ये बात बताने की जरूरत है कि महिलाओं की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। चार बार उत्तर प्रदेश में जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, महिलाओं के प्रति लोगों का मान सम्मान आदर और देखने का नजरिया बढ़ा है, ठीक है, लोगों में भावनाएं बदली है, निश्चित तौर से बदली है। और दिल्ली में आज क्राइम रेशो महिलाओं के प्रति इतना है, मेरे को लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा है। कोई भी आम आदमी, मेरे जैसा आम इंसान, अपने बच्चे को स्कूल भी अकेले नहीं भेज सकता, बस में नहीं भेज सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा बच्चा बस में भी सेफ नहीं है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलके और आज तक किसी भी माता पिता को ये अश्योर नहीं कर पाए कि वो अपने बच्चों को अपने बिना देखे स्कूल में बस में भेज सके। दिल्ली में क्राइम की स्थिति महिलाओं के प्रति बहुत खराब है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं की सुरक्षा पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा पे पहले काम करने की जरूरत है। दूसरी, दिल्ली में पानी और स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, जो बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने एक सवाल पहले पूछा था पानी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि केजरीवाल जी ने पानी जो कराया है वो ये कराया कि पहले जहाँ पानी आता था छोटी कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में, बिना मीटर के जो पानी आता था उसका जो बिल आता था वो आता था 30-40 या 50 रुपया मैक्सिमम। इन्होंने मीटर लगाया, मीटर कंपनियों में सेटिंग की है, इनके कोई जानने वाले की वो कंपनी होगी जो मीटर बनाती है, इन्होंने पूरी दिल्ली में मीटर लगवा दिए। पानी का स्तर आज भी वही है, पहले कीड़े निकलते थे, आजकल मैं अपनी लोकसभा में घूमा हूँ, कई लोगों ने मेरे को बोतल में पानी डाल के दिखाया कि साहब ये देखो कि इसमें सांप निकला है, पानी में सांप तक निकलते हैं। पानी की ऐसा है कि उसमें कपड़ा नहीं धो सकता आदमी, पिएगा कहाँ से? और अब पानी का बिल जो पहले 50 रुपये आता था अब वो 1200 से 1800 रुपये आने लग गया जे कॉलोनी जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।